हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 के बारे में। अब हम देखने जा रहे हैं वो है आर्ट एंड कल्चर का एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री। तो पहला जो न्यूज़ है वो है गुर्जरा प्रतिहारस। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि नताशे एक 9th सेंचुरी में एक रेयर सैंडस्टोन था जिसका आइडल जो है राजस्थान के टेम्पल में था, वो स्मगलिंग हो रहा है 1998 में और रिटर्न हुआ इंडिया को। ठीक है, अब क्या है नटेशा स्टैंडसोल आइडल, ये एक रेयर स्टैंडसोल आइडल है जो प्रतिहारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से मिला है राजस्थान में, और ये ओरिजिनली गटेश्वर टेम्पल में था बरौली जो राजस्थान में। स्टैंडस्टोन नटेशा फिगर जो है वो ऑलमोस्ट 4 फुट के हैं और ये बहुत रेयर है, और ये ब्रिलियंट डिपिक्शन है शिव जी की। और यहाँ पे जो डिपिक्शन है नंदी की, जो कि बुल काफ है, वो शोन कैसे किस तरह से दर्शाया है वो दिखाया है कि उनका जो बिहाइंड दिखाया गया है राइट लेग ऑफ नतेशा आइकन। तो प्रतिहारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एसोसिएट होता है गुजरा प्रतिहारस डायनेस्टी के अराउंड, जो कि 800 से लेके 900 AD के थे। गुजरा प्रतिहारा डायनेस्टी क्या है इनके बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो डायनेस्टी थी इनने रूल करा था नदर्न इंडिया को, कहाँ कब से लेके कब तक का, 8 से लेके 11 सेंचुरी तक। ये फर्स्ट ऐसे थे 4 पेटर्नल क्लैंस जो कास्ट सिस्टम के थे, जिनको रेफर करा जाता था राजपूत। तो गुर्जरा प्रतिहारा राजपूत बोला जाता है इनको। प्रतिहारा जो उनका नाम था वो संस्कृत शब्द से लिया था जिसका नाम है डोर कीपर। ये देखे गए हैं ट्राइबल ग्रुप ऑफ क्लैन ऑफ गुजरास। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में देख लेते हैं। एक तो है नागापट्टावन, जो कि कंटेन करते हैं अरब आर्मीज जो मूव कर रहे थे इंडस रिवर को, और उनको फेम मिला 8th सेंचुरी में। ठीक है, नागापट्टा टू मीर भोजा और महेंद्र पालावन जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे डायनेस्टी के। एक्सपेंशन जो बना यहाँ पे, एक्सपेंशन जो है गुर्जरा प्रतिहारा किंगडम इन्वॉल्व करता है कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जो कंटेम्प्रेरी पावर्स में थे, जैसे पालास राष्ट्रकूटास त्रिपाटाई स्ट्रगल जो कन्नौज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री क्या है ये रिटेन करते हैं टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि गुप्ता के लाइन पे है, हर्षवर्धन के आइडियाज़ पे है। कुछ एरियाज जो एडमिनिस्ट्रेटेड होते हैं डायरेक्टली वो सेंटर, या कुछ डिवाइडेड प्रोविजन पे होते हैं जो भुक्ति होते हैं, और कुछ डिस्ट्रिक्ट पे होते हैं मंडला या विश्वा विश्वा या कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि ये आपसे पूछे गए थे 2020 के एग्ज़ाम में। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट को मंडला बोला जाता है या प्रोविंस को भुक्ति बोला जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। गवर्नर कौन था इनका, उपराता है विषयापति। गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट हेड जो है वो कलेक्टिवली लैंड रेवेन्यू और मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर, जो कि आर्मी यूनिट्स सब हेल्प लेते हैं और स्टेशन करते हैं बड़ी सारी एरिया। ये वेल नोन है कैवलरी के लिए, जो हॉर्सेस भी होती है जो इंपोर्ट होते हैं सेंट्रल एशिया और अरेबिया से। आफ्टर बोझा मिलिट्री पावर जो प्रतिहारस की थी वो डिक्लाइन हो गई, और उनको बहुत ज़्यादा डिफीट सहनी पड़ी। यहाँ पे आर्किटेक्चर की बात करें तो प्रतिहारास एक्सटेंड करते हैं गुप्ता आर्किटेक्चर तक, और यहाँ पे उनने फुल फ्लेच मतलब उनने बेसिकली गुप्ता एम्पायर को या गुप्ता आर्किटेक्चर को ज़्यादा अच्छे से बना दिया। ठीक है, उनने फुल फ्लेज मंडपा बनाया जो सिंगल शाइन टेम्पल पे थे, मंडोरवा को आर्टिकुलेट कर दिया, या तो तीरथ में कर दिया या पंचतंत्र प्लान पे कर दिया, या गरमाल टेम्पल बना दिया और बदो पत्थरी भी बना दी। गुजरा प्रतिहारा जो थे वो ओपन पेवलियन टेम्पल्स के लिए जाने जाते थे अपने स्पेस कॉन्सेप्ट की वजह से, और बड़े स्ट्रक्चरल फंक्शनल कंस्ट्रक्ट की वजह से, मोटिव और बड़ी सारी चीज़ जैसे एस्थेटिक और आइकोनोग्राफिक नॉर्म्स की वजह से। ये टेम्पल नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में है।
बेस्ड है। और ट्रेड इकोनॉमी की बात करूँ तो इकोनॉमी जो गुजारा गुजारा प्रतिहार एम्पायर थी वो बेसिकली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थी, और मेजर सोर्स जो थे इनके टैक्स का वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था। हॉर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी थी। प्राइमरी लिटरेरी सोर्स जो है वो अकाउंट्स देखते हैं हम अरब मर्चेंट्स का, जैसे सुलेमान अल मसूदी, पोएट राजा शेखर, और कोट है महेंद्रपाला। काकतीय डायनेस्टी, ये टेंपल कंस्ट्रक्ट करा जाता है काकतीय रूलर के द्वारा, जो आंध्र प्रदेश में कैपिटल अमरावती है, उन्हें कन्वर्ट करा था एडोप ऑफ लोकल गॉडेस जो बलुश्यामा माँ था, गॉडेस दुर्गा। ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है, टेंपल जो कंस्ट्रक्ट हुआ था ये एम्परर गणपति देवा की वजह से हुआ था, जो एक माइटी रूलर थे काकतीय डायनेस्टी के। 13th सेंचुरी में ये टेम्पल बना था और ये काकतीय देवी को डेडिकेट था, जो डीटी थी काकतीय रूलर की। तो काकतीय क्या है ये हम समझ लेते, जो आंध्र प्रदेश में अभी हमें लोकल जो बनाए न्यूज़ में जो है, और ये एक फ्यूडिशरीज थे वेस्टर्न चालुकास के, ठीक है। और ये 3 कंटेम्प्रेरी डायनेस्टी का था जो डेक्कन में थे, होयसाला, यादवास, काकतीय, जो कि फ्यूडिशरी थे। फ्यूडिशरी मतलब जो लैंड लॉर्ड टाइप के जो होते हैं वेस्टर्न चालुकास के, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा लैंड ओन करते हैं, या ग्रुप्स देख लो ऐसे कर सकते हो, ग्रुप्स ले लो। इंडिपेंडेंट डायनेस्टी जो थी वो इस्टेब्लिश थे रुद्र देवा के अंडर, जो पहले थे प्रताप पुंद्रा एक, जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे काकतिया डायनेस्टी के, ठीक है। यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए वरंगल जो थे कैपिटल थे काकतिया के, उनको इस्लामिक इन्वेजन फेस करनी पड़ी 1310 में, जो अलाउद्दीन खिलजी ने करी, और अल्टीमेटली वो दिल्ली के अंडर कंट्रोल आ गए सल्तनत में 1323। और इन्वेजन जो थे वो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की वजह से हुए। प्रोमिनेंट रूलर जो है गणपति रीजन थे, जो लॉन्गेस्ट अमंग द काकतिया रूलर्स थे। और ये स्टार्ट करते हैं 1199 से लेके 1262 CE। इसके टाइम पे क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ किंगडम जो बे ऑफ बंगाल तक जाता है, और ये ईस्ट टू कांचीपुरम थे साउथ में। रानी रुद्रमन देवी जो वन ऑफ द फ्यू क्वींस जो थे इंडियन हिस्ट्री के जो काकतीय डायनेस्टी के बिलोंग करते थे। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री जो थी माउटुपाले, वो फेमस ट्रेडिंग सी पोर्ट थे काकतीय के। मार्को पोलर भी एक फेमस वेटरन वियतनन ट्रिलर ट्रेवल थे। ये ट्रैवलर जो होते थे विजिट करते थे काकतिया डायनेस्टी को और उनके बारे में लिखते थे, तभी हमें पता चला कि क्या प्रॉस्पेरिटी और पावर थी इनकी आंध्र प्रदेश में। काकतिया डायनेस्टी फेमस थे कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज टैंक्स, और ये यूज़ करते थे सुलोई वेयर डिवाइस जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए थी। कोहिनू डायमंड जो था इनके द्वारा माइन करा गया था इनके टाइम पे, तो ये इंपॉर्टेंट है। गोलकोंडा कौन से आया था, कोहिनूर का डायमंड जो कि काकतिया रूलर के थे, ठीक है। आर्किटेक्चर की बात करूँ, बहुत तगड़ा आर्किटेक्चर बनाया है। रुद्रेश्वर टेम्पल थे जिनको वाइस्ता थम्बल गुडी, जिसको 1000 पिलर्स टेम्पल बुलाते थे तेलुगु में। इसका जो अर्लियर स्ट्रक्चर था वो काकतीय आर्किटेक्चर में देखा गया था। रुद्रदेवन ने बनाया था ये 1163 AD में। ये टेम्पल जाना जाता है अपनी रिच कार्व पिलर्स के बारे में, परफोर्टेड स्कीम्स के बारे में, स्पेशल आइकन्स जैसे रॉक कट एलिफेंट्स और मोनोलिथिक नंदी। ये टेम्पल डेसिक्रेटेड थे रूलर्स जो तुगलक डायनेस्टी के थे, और उनके इन्वेजन जब हुई थी डेक्कन रीजन से। यहाँ पे एक टेम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, रामप्पा टेम्पल जो तेलंगाना में है। ये एकमात्र टेम्पल है इंडिया में जिसका जो नेम है स्कल्पचर के ऊपर है, रायदन जो डीटी है। ये बिल्ड हुआ था बिहाफ ऑफ किंग थे काकतिया गणपति देवा, जो कमांडर ऑफ चीफ थे रुद्र सोमानी के। स्कल्पचर वर्क जो डांस पॉस्चर्स के थे टेम्पल में वो बहुत इंस्पायर करते थे फेमस लोग, जैसे नृत्य रत्नावली जो जयाप्रदा सैनी के थे। वारंगल फोर्ट बिल्ड हुआ था किंग गणपति के द्वारा, जो 13th सेंचुरी में थे, और कंप्लीट करा गया था डॉटर रुद्रा मना देवी जो 1261 AD में होते। जो फोर्ट बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड थे, जो डेकोरेटिव थे और लॉफ्टी गेटवे थे, जैसे कीर्ति तोराना और हमसा तोराना। वरंगल फोर्ट जो है वो 1000 पिलर्स टेम्पल और रंपा टेम्पल जो उस रीजन में ऐड हुए है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे, तो ये इसलिए तीनों इंपॉर्टेंट टेम्पल है। 7.3 की बात करें, एविडेंस ऑफ डेयरी प्रोडक्शन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस साल 2020 में 100 साल हुए हैं डिस्कवरी ऑफ IVC, जिनको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बुलाता है। और ये नई स्टडीज शो करती है डेयरी प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस होते थे हड़प्पा में, और वो
2500 साल बीसी में दिखाए जाते थे। अर्ली फाइंडिंग क्या था, की फाइंडिंग क्या है इसका, अर्लीस्ट एविडेंस जो है इंडस्ट्रियल लेवल और डेयरी प्रोडक्शन के थे, वो बेस से एनालिसिस जो ऑब्जॉर्व करते थे लिपिड रेसिड्यूज और ये अनग्लेज्ड सेरेमिक वेसल पे थे। एविडेंस जो है डेयरी प्रोसेसिंग के, वो प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क थ्रू फ्रैगमेंटेशन और या कोई टेक्निक, जो रिजल्ट थे बेसिकली मॉलिकुलर केमिकल एनालिसिस पे होते, जो रेसिड्यू पॉटरी फाउंड पे होते हैं, और एक कोडटा बडली में थे जो गुजरात में थे। इवन दो प्रेजेंट डे गुजरात है वो एक मेजर प्रोड्यूसर है डेयरी प्रोडक्ट्स का इंडिया में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एविडेंस एनिमल जो थे, एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फॉसिल फ्यूल मिले हैं कैटल वाटर बफेलो और गोट के, और शीप के भी मिले हैं। कोट काउज और बफेलोज जो थे वो कंज्यूम करते थे मिलेट्स, और जो शीप और गोट्स थे वो ग्रास खाते थे और लीव्स खाते थे। ये इंडिकेट करता है कि जो मिल्क प्रोड्यूस था सरप्लस में था, क्योंकि वो एक्सचेंज करते थे और यहाँ पे एक तरह का ट्रेड भी दिखता था सेटलमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे कुछ फाइंडिंग है जो हमें दर्शाती है कि भाई रूरल इकोनॉमी की क्या थी आईबीसी के रिलेटेड। न्यूज़ में क्या है कि कैटल बफेलो और मीट रेजिड्यू मिले हैं इंडस वैली साइट्स पे या वेसल में। इस नए स्टडी के हिसाब से नॉर्थ वेस्टर्न साइड में थे, जो डाइट थी आईबीसी के उसमें मीट डोमिनेंट था, जिसमें बीफ था, ठीक है कि वो लोग बीफ खाते थे। ये भी देखा गया है कि जो डोमिनेंस था एनिमल प्रोडक्ट्स का, जैसे मीट ऑफ पिग्स, कैटल, बफेलो, शीप्स वो भी थे, और एज वेल एज डेयरी प्रोडक्ट्स भी थे। सेरेमनीस जो थे वो मतलब एक एनिमल थे स्पीशीज से, डियर, एंटीपोल, गैजल, बर्ड्स और ये रिवराइन, ये स्मॉल प्रोपोर्शन में मिले हैं। आईवीसी की बात करूँ तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, अलॉन्ग विद मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना के बाद ये फोर्थ अर्थलीस्ट सिविलाइजेशन है। आईवीसी जो है कल्चर और पॉलिटिकल एंटिटी दिखाता था जो नॉर्थन रीजन में उस टाइम पे फ्लरिश होते थे, 2700 BCE से लेके 600 BCE। दयाराम सानी ने जिनने हरप्पा फाइंड कराया था 1921 में। तो जो मॉडर्न नेम है इनके वो इंडस रिवर से आता है, तभी इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सरस्वती रिवर जो मेंशन है वैदिक में वो एडजेसेंट होती है इंडस के, और इसको इसलिए हरप्पन सिविलाइजेशन का नाम दिया इसका। ये अभी भी अनक्लियर है कि इंडियन सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हुई, पर सिविलाइजेशन जो सदर्न मोस्ट पार्ट में थी वो कंटिन्यू हुई अंटिल आयरन एज जो डेवलप हुआ इंडिया में 1000 BCE में। रीसेंट आईवीसी डिस्कवरी क्या है कि रीसेंट स्टडी दिखाता है जो शिफ्टिंग मानसून पैटर्न थे वो लिंक थे क्लाइमेट चेंज का, और उसी वजह से राइज एंड फॉल ऑफ आईवीसी हुआ है प्रॉब्ली। भीराना एक हरियाणा में एक जगह है जो डिस्कवर करा है ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड आईवीसी साइट, जो 7500 BCE में आती थी। प्रीवियसली मेरगढ़ जो है पाकिस्तान में, वहाँ पे ओल्डेस्ट साइट थी जो 7000 BCE में, पर ये उससे भी पुरानी है। डीएनए सैंपल जो स्केलेटन रिमेंस के थे राखी गिरी में, वो क्लेम करते हैं कि यहाँ पे आईवीसी लोग रहते थे और वो डिस्टिंक इंडिजीनियस पीपल थे, और ये चैलेंज करता है थ्योरी जो हरप्पन आर्यन की इन्वेजन की थ्योरी है जिन्हें एंड करा हरप्पन कल्चर को। आईवीसी साइट के देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हरप्पा जो थे वो लोकेशन उसका पाकिस्तान में था रिवर रवि के ऊपर। तो यहाँ पे 6 ग्रैनीज मिले हैं, स्टोन सिंबल मिले हैं लिंगम के और यूनी के, मदर गॉडेस फिगर मिले हैं, और यहाँ पे डॉग का स्कल्पचर मिला है जो चेस कर रहा है एक डियर को एक ब्रॉन्ज मेटल में। रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो मिला है यहाँ पे, मोहनजोदड़ो जिसमें मूवी बनी थी आपको याद होगा, वो भी पाकिस्तान में रिवर रवि। और ये सिटाडल ग्रेट बात, यहाँ पे बियर्डेड प्रीस्ट मिला है, ग्रेट ग्रैनी मिला है, फेमस जो आपका ब्रॉन्ज स्टैचू है डांसिंग कल का वो मिला है, पशुपति सील मिले हैं। धोलावीरा की बात करें गुजरात इंडिया में, जाइंट वाटर रिजर्वायर, ये एक यूनिक हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला है। लोथल जो है गुजरात और इंडिया में, यहाँ पे डॉकयार्ड, फायर ऑल्टर्स, टेरोकोटा फिगर मिले हैं हॉर्स और शिप के। राखी गिरी हरियाणा में है, ये लार्जेस्ट साइट है आईवीसी ग्रैनी और टेरोकोटा ब्रिक्स की। रोपड़ पंजाब इंडिया लोकेट है रिवर सतलुज में, जो डॉग बरीड थे ह्यूमन ओवल पिट्स के द्वारा, वहाँ पे हमें ये मिले। और कॉपर एक्स मिला है बालाथल और कालीबंगम जो है राजस्थान इंडिया में, ये बैंगल फैक्ट्री मिले हैं यहाँ पे, टॉय कार्स मिले हैं और बोन्स ऑफ कैमल मिले हैं, डेकोरेटिव ब्रिक्स मिले हैं और सिटाडल मिले हैं और लोअर टाउन मिले हैं और फायर ऑल्टर्स बनाए। सर कोड़ा जो है गुजरात में है, यहाँ पे एक्चुअल रिमेन्स मिले हैं हॉर्स बोन्स के। बनावली हरियाणा में, अगेन ये ड्राइड अप रिवर सरस्वती पे है, मतलब बहुत पुरानी रिवर है।
जो अभी सूख गई है। यहाँ पे सेमी प्रेशियस स्टोन मिला है, टेराकोटा मिला है, स्टेयरटाइट मिला है, बैंगल्स ऑफ द क्ले मिले हैं और कॉपर मिला है। वेल प्लान फोर्टिफाइड टाउनशिप मिला है यहाँ पे रेडिकल प्लान पे, आलमगीर मेरठ में उत्तर प्रदेश, ये रिवर यमुना पे है, ये ईस्टर्न मोस्ट साइड है आईवीसी का। यहाँ पे ब्लैक ब्लेड मिले हैं जो कॉपर के बने और सेरेमिक आइटम मिले हैं। मेरगढ़ पाकिस्तान में है, यहाँ पे पॉटरी कॉपर और बड़ी सारी चीज़ें मिली हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है, वो बात करती है सडीकर सिनोली एक्सकवेशन। एएसआई ने डिक्लेयर करा है इस साइट को, रिमेन्स को सडीकर सिनोली जो उत्तर प्रदेश में है बागपत डिस्ट्रिक्ट में, वो नेशनल इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों, क्योंकि ये इसके बारे में पहले जान लेते हैं सडीकर सिनोली क्या है। फर्स्ट एक्सकवेशन जो हुआ है इसका 2003 से 4 में हुआ है। ये साइट रिवील करती है लेट हरप्पन पीरियड को, जो नेक्रोपोलिस है, लार्जेस्ट नॉन बरियल साइट है इंडिया की। लोकेट है ये लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर यमुना। कार्बन डेटिंग मेथड हमें पता ही है कि इससे पता चलता है कि कितना टाइम लगा है। तो यहाँ पे कंफर्म करा है कि बरियल 1900 BC के, मतलब 3800 साल पुराने हैं। फाइंडिंग ये दिखाती है कि यहाँ पे वुडन कॉफिन है, बरियल्स हैं, चैरियट्स हैं और रॉयल बरियल्स जो डिस्कवर करे जाते हैं। इंप्रेशन जो है इसका क्लॉट फाउंड है बॉडीज पे, सजेस्ट करता है प्योरिफिकेशन जो हिंदू रिचुअल्स में होते थे। पोएट्री जो है ऑर्काइक कलर्ड पोएट्री पे थे, OCP कल्चर। हॉर्स डिबेट जो एक्सकवेशन दिखाती है चैरियट्स की, स्वॉर्ड्स और बड़े सारे ऑब्जेक्ट जो दिखाते हैं प्रेजेंस की वॉरियर क्लास की क्या थी उस टाइम पे उस रीजन में कॉपर ब्रॉन्ज एज में। साइज और शेप जो चैरियट्स के थे वो इंडिकेट करते थे कि कैसे हॉर्सेस पुल ऑफ करते थे। यहाँ पे सपोर्टिंग एविडेंस जो है डोमेस्टिकेटेड हॉर्स बोन्स है जो सरकोटा में मिले हैं मैच्योर हरप्पन साइड में। क्वेश्चन दिखाता अब लाइक आर्यन की थ्योरी जो थी वो क्लेम करते हैं जो हॉर्स थे वो ब्रॉड अप करते थे सेंट्रल एशिया से, बट जो चाइना बोल रहा हूँ मैं, जो इन्वेशंस होते थे आर्यन के वो अराउंड 1500 से लेके 1000 BC में है। और ये बताते हैं आर्यन ने कैसे द्रविडियन पे इवेंचुअली ले लिया अपना एज बुलक कार्ट्स के थ्रू। हाउएवर जो नई फाइंडिंग है वो सजेस्ट करती है कि हॉर्स ड्रिवन चैरियट्स जो यूज़ होते थे OCP पीपल के अराउंड यूज़ होते थे 2000 BC में। और बड़े सारे सपोर्टिंग एविडेंसेस जो दिखाते हैं कि डोमेस्टिकेशन होती थी हॉर्स बोन्स की उस टाइम पे सरकोटा में जो मैच्योर्ड हरप्पन साइड है। इसलिए बड़े सारे डिबेट्स आ जाते हैं क्वेश्चन में। आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या है इतनी बात कर ली हमने, तो इस थ्योरी के हिसाब से ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जो है व्हीलर मॉर्टाइम व्हीलर जो थे एक नोमैड एक इंडो यूरोपियन ट्राइब थे स्टेपी पैस्टोरिस्ट जो ईरानियन फार्मर्स या कहीं से आए थे ईरान से आए थे आई थिंक, या उनके हिसाब से है, मेरे हिसाब से नहीं है, उनको आर्यंस बोला जाता है। और वो ओवरवेंड थे, कॉन्कर्ड करा इंडर रिवर्स सिस्टम को और उसकी वजह से आईवीसी डिक्लाइन हो गया। इसने ये पोजीशन करा है कि बड़े अनबैरियड कॉप्सिस मिले हैं जो टॉप लेवल से मिले हैं हमारे मोहनजोदड़ो साइट से, तो वो दिखाता है कि यार विक्टिम्स ऑफ वॉर होंगे। थ्योरी सजेस्ट करती है कि वो लोग हॉर्स यूज़ करते थे और मोर एडवांस वेपन यूज़ करते थे ताकि वो हरप्पन लोगों को दबा दें, इसलिए आर्यन जीत गए। एविडेंस क्या है ऋग्वेद के टाइम पे ये मेंशन करा जाए कि यहाँ पे फोर्टेस ऑफ दासा और दासीज मिले, ठीक है। यहाँ पे वैदिक गॉड इंद्र पुरंदर या पुरंदर के नाम से जाने जाते थे जो थे डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट। जोग्राफिकल एरिया देखे तो हैबिटेशन जो ऋग्वेदिक आर्यंस की थी वो इंक्लूड करती थी आपका पंजाब घाघर हड़का रीजन, और यहाँ पे कोई भी रिमेम नहीं है जो कल्चरल ग्रुप को दिखाती है जिसमें फोर्ट है और ये हिस्टोरिकल प्लेस है। व्हीलर जो बिलीव करते थे हरप्पन साइट्स में वो डिस्क्राइब थी ऋग्वेदा में, और बड़े ऋग्वेदा में मेंशन है हरी युपिया, तो ये प्लेस लोकेट है रिवर रवि पे, और ये रिवर जो फोर्ट हुई है बैटल पे फोर्ट हुई है, और नाम पे जो नाम है वो साउंड करते हैं वेरी फिल्मिनर टू द हरप्पा। ये एविडेंस जो दिखाते हैं दर्शाते हैं कि व्हीलर कंक्लूड करता है आर्यन ने इन्वेट करा और डिस्ट्रॉय करा सारी सिटीज़ को। नेशनल टैग क्या है यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट जो है और वो बता दर्शाती है बड़ी सारी चीज़ें कि यहाँ पे रूइंस थे रेलिक्स थे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के और जो कि एक्सटेंड होते थे नॉट मोर देन 100 ईयर्स। नेशनल इंपॉर्टेंस टैग जो पुट करता है साइट्स पे वो दिखाता है कि वर्ल्ड टूरिज्म मैप क्या था और इंश्योर करता है रेगुलर फंड और कंजर्वेशन के लिए। और यहाँ पे ये साइट इसको ये मिल गया तो बहुत बड़ी बात है और ये AISI के द्वारा संभाला जाता है। रिलेटेड न्यूज़ में क्या है रेयर रेनोती चोल इंस्क्रिप्शन मिला है। अनर्थ जो है वो इंस्क्रिप्शन हमें दिखाता है कि ये आंध्र प्रदेश से मिला है, कडापा डिस्ट्रिक्ट है कोई, और ये आर्कैनिक तेलुगु लैंग्वेज में लिखा गया है। ये दिखाता है कि जो गिफ्ट दिया गया है 6 मार्थास जो एक उस टाइम पे होता था मेजरिंग लैंड जैसे हेक्टेयर है आज के टाइम पे, या क्या कहते हैं आपका गज होता है आज के टाइम पे,
यहाँ पे ये असाइंड थे 8th सेंचुरी AD, और यहाँ पे जो रीजन था वो रूल ऑफ चोला महाराजा रेंडुआ के अंडर आता था। यहाँ पे तेलुगु चोलास थे रेंडुआ के, जो रेंटी चोलास रूल करते थे ओवर रेंडुआ रीजन, प्रेजेंट डे कुडुपा डिस्ट्रिक्ट। ओरिजिनली इंडिपेंडेंट थे, बट लेटर ये सुजरेनिटी पे आ गए ईस्टर्न चोला चालुका इसका। आज के लिए सिर्फ इतना ही, लाइक से सब्सक्राइब करें चैनल को, और मैं लाता रहूँगा सारे लेक्चर्स।